साहब जिंदाबाद, चौहान साहब जिंदाबाद। गाँव में कैसे विकास हुए, कैसे शहर में हुए, उनमें क्या क्या कमियां रही, क्या क्या समाधान है, लोगों से, प्रमुख लोगों से मिलकर उनसे बात करके समस्याएं जानी। ताउडू मंडी में दूसरा दौरा यहाँ प्रमुख लोगों से मिलना हुआ और यहाँ के क्षेत्र की जो भी समस्या उनकी रही उनको समाधान करने का पूरा आश्वासन। जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन एवं सोहना ताबड़ू विधानसभा से भावी उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान ने रविवार को ताबड़ू कस्बा व विधानसभा के गांव जोरासी का दौरा किया। इस मौके पर जहां इलाके के मौजूद लोगों ने कल्याण सिंह को पगड़ी बांधकर व पुष्प गुच्छे देकर सम्मानित किया, वहीं दूसरी तरफ इलाके की समस्याओं से भी अवगत कराया। इस मौके पर कल्याण सिंह चौहान ने इलाका वासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही इलाके की समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। सबसे पहले मैं नए साल की सबको शुभकामना देता हूँ और आज जो मुख्य उद्देश्य सोना ताउडू क्षेत्र में था वो गांव और शहर, शहर का मतलब ताउडू शहर को हम शहर ही कह सकते हैं, हालांकि उसकी हालत गांवों जैसी। इन गांवों में कैसे विकास हुए, कैसे शहर में हुए, उनमें क्या क्या कमियां रही, क्या क्या समाधान है, लोगों से, प्रमुख लोगों से मिलकर उनसे बात करके समस्याएं जानी और उन समाधान के बारे में बात करी। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें सोहना ताबड़ू विधानसभा के जाट बामूल्य गांव जोरासी व ताबड़ू कस्बे के अनाज मंडी की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इलाके के मौजूद लोग कल्याण सिंह चौहान को पगड़ी बांधकर फूलों की माला पहनाकर व पुष्प गुच्छे देकर उनका सम्मान कर रही हैं। बता दें कि कल्याण सिंह चौहान विधानसभा वासियों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। कल्याण सिंह चौहान सोहना ताबड़ू विधानसभा वासियों को अपना परिवार मानकर हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। सबसे पहले जो दौरा था हमारा जोरासी गांव, जो एक बड़ा गांव है हमारे यहाँ, उसमें रहा और उसके बाद मंडी में आकर यहाँ ताबड़ू मंडी में दूसरा दौरा यहाँ रहा, प्रमुख लोगों से मिलना हुआ और यहाँ के क्षेत्र की जो भी समस्या उनकी रही उनका समाधान करने का पूरा आश्वासन दिया। बता दें कि कल्याण सिंह चौहान से सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने के लिए ताबड़ू व सोहना कस्बे से कॉलेज छात्राओं को गुरुग्राम स्कूल कॉलेजों तक ले जाने व लाने के लिए अपनी निजी कोष से दर्जनों बस मुफ्त में चलाई हुई हैं, जिन बसों में सैकड़ों स्कूली छात्राएं मुफ्त में सफर कर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपनों को पूरा कर रही हैं। कल्याण सिंह द्वारा किए जाने वाले समाज हित के कार्यों को देखते हुए सोहना ताबड़ू विधानसभा वासी अब की बार इस इलाके की कमान कल्याण सिंह के हाथों सौंप कर उनके चंडीगढ़ विधानसभा उन्हें भेजना चाहते हैं, ताकि विधानसभा का चौतरफा चहुमुखी विकास हो सके। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कल्याण सिंह को बीजेपी पार्टी द्वारा टिकट देकर चुनावी रण में उतारा जाता है या फिर कल्याण सिंह पंचायती उम्मीदवार के रूप में चुनावी रण में कूदते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना ताबड़ू से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।